नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जो लास्ट एपिसोड्स रहे हैं वो हमने एक सीरीज को फॉलो करते हुए किया है, क्योंकि एक सीक्वेंस में अगर हम चीज़ें चलाएंगे तो हो सकता है कि जो लोग उस चीज़ में ट्रैप्ड पड़े हैं, वो चीज़ से निकलना चाहते हैं, उनके लिए ईजिली होगा वो वीडियोज़ को गो थ्रू होना। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्रीवियसली वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब पर हैं, और अगर आपको कहीं ना कहीं आपसे रेमेडी मिस हो जाती है तो आप वो वीडियो को फिर से लगा कर फिर से वो रेमेडी ले सकते हैं और जान सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और है यहाँ पे कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अक्सर उनके कोर्ट केसेस रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का मनी फ्लो बहुत ज़्यादा मतलब वीक होता है कि पैसा आ ही जा रहा है, बस ये है कि हम पैसे को सही जगह यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। पैसा आ ज़रूर रहा है पर पैसा टिक नहीं रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ और होती है, वो होता है बैलेंस चक्रा, जो कि हमारी पूरी बॉडी से रिलेटेड होता है और किस तरीके से काम करता है आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IP सिंह सर, जो कि रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं और अक्सर हमारे जितने भी क्वेरीज होती हैं, जितने भी हमारे टॉपिक्स हमारे ऑडियंस हमें सजेस्ट करती है, उस टॉपिक्स पर हम खड़े उतरने के लिए आपको मतलब अच्छे से अच्छा जो भी हम रेमेडी दे सकते हैं हम वो आपको देते हैं। और इसके साथ ही चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। जैसे मैंने बात की सर, सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा वो होगा बैलेंस चक्रा। बेसिकली इतना तो चलो मुझे भी पता है कि बैलेंस चक्रा इज़ बेसिकली अबाउट बॉडी, बॉडी के जितने कहते हैं जोन्स होते हैं उस चीज़ को बैलेंस चक्रा बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। तो सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि बैलेंस चक्रा होता क्या है, और इस हिसाब से अगर कोई ट्रैप्ड है बैलेंस चक्रा के मतलब उससे, जिसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ बैलेंस चक्रा के कारण, तो उनके लिए नंबर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा टॉपिक लिया आपने। हमारे जो चक्राज होते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे 7 चक्रा होते हैं, 7 चक्कर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे ये वाले चक्कर्स हैं, ये सारे चक्कर्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। इसको हम कहते हैं क्राउन चक्रा, मतलब आज्ञा चक्र कहते हैं, थ्रॉट चक्रा, मणिबंध चक्रा। तो ये सारे जो चक्कर अगर आपके इनबैलेंस रहते हैं, 7 चक्रास हैं ये हमारी बॉडी के अंदर है, और इसको बेसिकली मेडिटेशन का पार्ट है बेसिकली कि हम इसको मेडिटेट करके इन चक्रास को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर, अगर मैं ये बोलूँ, 70-80% प्रॉब्लम हमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, अपना कम्युनिकेशन होता है, आपकी हेल्थ होती है, आपका मनी होता है, आपका रिलेशन होता है, वेल्थ होती है, हर चीज़ जो है ये आपकी बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं अगर ये आपके बिल्कुल अलाइन हो जाएं या न्यूट्रलाइज हो जाएं तो ये आपको बहुत बढ़िया एक रेमेडी है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्रिस्टल्स के अंदर अगर हम एक ब्रेसलेट की बात करें, 7 चक्रा ब्रेसलेट हम प्रेस्क्राइब करते हैं क्लाइंट को कि उसका जो प्रॉब्लम है उसकी वो बिल्कुल अलाइन हो जाए, उसके चक्रा जो हैं वो बैलेंस हो जाए। 7 चक्रा ब्रेसलेट भी बोला जाता है उसको वेयर करने के लिए, जैसे मैंने वेयर करा हुआ है, तो ऐसे वो ये 7 चक्रा नहीं है, वो एक अलग होता है, डिपेंड करता है कि आपके चक्कर जो हैं वो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नंबर भी है, उस नंबर को अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर यूटिलाइज़ करेंगे या उसको आप लिखेंगे, उसको चैंट करेंगे, तो आपके जो 7 चक्रा है वो अलाइन हो जाते हैं या बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिससे आपको लाइफ के अंदर अचीवमेंट्स बढ़ जाती हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी सही होनी शुरू हो जाती है अगर आपके चक्रा अलाइंस हैं। तो वो चक्रास के लिए मैं आपको नंबर बताता हूँ, आप इसको नोट कर लो, 7-0-2-3-9-7-6-8। आप इनको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से आप इसको लिख सकते हो, आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो, आप जब कभी ध्यान में बैठो तब भी आप इसको चैंट कर सकते हो, अपने मन के अंदर चैंट कर सकते हो, आप इसको बोल कर चैंट कर सकते हो, मतलब जैसे भी चलते हुए घूमते हुए भी आप चैट कर सकते हो। लेकिन चक्रा बैलेंस के लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, आप इसको एक जगह पर बैठकर
और कोशिश करो आप इसको नीचे ज़मीन पे बैठ के करें, या टेबल चेयर पे, अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते टेबल चेयर पे बैठ के आराम से। आपके शूज़ चप्पल उस टाइम नहीं होने चाहिए, पाँव आपके ज़मीन के साथ टच होने चाहिए। जब आप नीचे बैठोगे तब तो टच होंगे, जब आप चेयर पे होंगे तो आपका ऐसा इसका एक सिस्टम है। तो आप इसको चैंट करोगे, आईज़ आपकी क्लोज होनी चाहिए, तो आप ये जानोगे कि 10 दिन 5 दिन हफ्ते के अंदर आपके चक्रास अलाइन होने शुरू हो गए और आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यस डेफिनेटली सर, क्योंकि ये चीज़ जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस चक्र एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हम अक्सर ये चीज़ फील तो करते हैं कि हमारी लाइफ में ना बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बेशक वो बॉडी में हो, बेशक वो हमारे मेंटली हमें ट्रॉमा दे रही हो, बट ये चीज़ हम कभी नहीं सोचते कि हो सकता है कि ये सारा चक्र जो घूमा हुआ है, जो हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं, जो हमें मेंटली स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कैरियर नहीं बन रहा है हमारा, हमें डिसीजेज हो रही हैं लॉन्ग टर्म, क्रॉनिक एक्यूट, सब कुछ हमारे पास एक कहते हैं घड़े में मिल रहा है हमें, बट स्टिल हमें उसका सोल्यूशन ही पता। तो उस चीज़ के लिए सर ने अभी आपको रेमेडी दे दी है, आप वो चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सर अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे जाएं तो आपने देखा होगा कि ना लीगली बहुत लोग परेशान रहते हैं, बेशक वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, बेशक वो डाइवोर्स सिनेरियो है, या फिर कुछ और, या फिर कस्टडीज रिलेटेड कोई इशू है, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कन्फ्लिक्ट है। मैं बात कर रही हूँ कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट केस कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वो चीज़ से लोग बहुत परेशान रहते हैं आज के दौर में। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ को ना, आज के युग को तो कलयुग बोला गया है कि इसमें कोई अपना ही अपना नहीं होता, लेकिन जो पुराए हैं वो आपके साथ अपने वाला बिहेव करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि कोर्ट केस से जो लोग परेशान हैं, जो इतने लंबे लंबे टाइम से इस चीज़ से निकलना चाहते हैं बट कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उनके लिए न्यूमरोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, और कौन से नंबर देखो इसको लेकर आज के दौर के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी का लीगली कोई ना कोई कोर्ट केस जो है वो बना हुआ है किसी चीज़ को लेकर। हमने कुछ चीज़ चाहिए वो हमारे को नहीं मिली, उसके लिए तो कैसा भी सिस्टम, अगर आप बिल्कुल अपनी जगह पे राइट हो, सही हो, तो यहाँ पे ये काम करेगा। अगर आप वहाँ पे आपका कोई एरर है या गलत है आप वहाँ पे, तो वहाँ पे ये स्विचबोर्ड बिल्कुल काम नहीं करेगा, उल्टा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अगर आप मतलब गलत हो तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बिल्कुल सही हो और प्रॉब्लम है आपके साथ जो कोर्ट केस हो गया है, किसी भी कारण कोई भी हो, कैसा भी कोर्ट केस हो, तो वहाँ इसके बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिजल्ट्स वो मिलते हैं। तो मैं आपको वो एक स्विच वर्ड्स का एक वर्ड्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, आप इसको लिखकर अपने पास रख लो, इसकी चैंटिंग कर लो, और जब भी आपकी डेट हो कोर्ट के अंदर आप इसको लिखकर अपनी पॉकेट में लिखकर ऑलवेज रख सकते हो पॉकेट के अंदर, और जब आपको जाना है कोर्ट में तब इसको ज़रूर साथ में लेके जाना, चैंटिंग ज़रूर करना। तो इसको आपने नोट करना है, आप इसको लिख लो, एलाइट, रिवर्स, टैप, एडजस्ट, बी समहाउ। मैं दोबारा बोलता हूँ, एलाइट, रिवर्स, टैप, एडजस्ट, बी समहाउ। जब आपने इसको लिखना है तो बीच में हाइफ़न ज़रूर डालना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऐसे ही आपने सेम कॉपी करना है, लेकिन जब आपने इसको चैंट करना है तब आपने हाइफ़न को प्रनाउन नहीं करना। और जब आपने इसको लिखना है जहाँ पे इसका एंड हो रहा है, जहाँ पे इसका एंड हो रहा है समहाउ, तो वहाँ पे फुल स्टॉप ज़रूर डालना है। ये चीज़ को ध्यान रखना, एंड में फुल स्टॉप ज़रूर डालना है और बीच में हाइफ़न डालना है जहाँ पे हम इसको लिखेंगे। प्रनाउन के अंदर हम ये चीज़ों को प्रनाउन नहीं करेंगे। तो आप इसको चैंट करो, इसके साथ में आपको एक नंबर भी दे देता हूँ इसकी पावर को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, आप इसके साथ वो नंबर भी यूज़ कर लो, वो है 1 2 5 5 5 5 9 0 1। देखो यहाँ पे 4 times 5 आया, लेकिन मैंने आपको 4 times 5 नहीं बोला, 5 5 5 5 नहीं बोला, क्योंकि जब हम नंबर डिजिट को चैंट करते हैं तो सिंगल डिजिट में चैंट करते हैं,
वो अगर आपका डिजिट 6 टाइम है तो आपको 6 टाइम ही प्रनाउन करना है, 6 टाइम 6 बोल के, या ऐसा प्रनाउन नहीं करना, डबल फाइव प्रनाउन नहीं करना, आपको सिंगल डिजिट में ही प्रनाउन करना है और ये इसकी पावर को और बढ़ा देगा। कंडीशन अप्लाई वही रहेगी, अगर आप अपने उस केस के अंदर राइट हो, सच्चे हो, सच्चाई के ऊपर चल रहे हो, तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। अगर आप वहाँ पे कहीं पे भी रॉन्ग हो तो इसका प्रभाव उल्टा भी आएगा, ये ध्यान रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गलत करके केस करोगे तो आपको जीतेगा, वहाँ पे डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करता, लेकिन आप सही हो तो आपको बहुत फास्ट इसके रिज़ल्ट मिलते हैं और हमने इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा लिए। यस डेफिनेटली सर, आई थिंक ये ना आपने बहुत इजी मेथड उन लोगों के लिए बता दिया जो लोग कोर्ट केस में बहुत स्टक पड़े हैं, पिछले इतने इतने सालों से वो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इवन जज भी उनकी डेट्स पर डेट्स डालते जा रहे हैं। तो ये जो रेमेडी है, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी जो भी हियरिंग है उस पर आपकी ही जीत होगी। सो इसके साथ ही अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं, तो आपने अक्सर देखा होगा सर कि लोग ना पैसे की साइड से बहुत तंग रहते हैं। हम पैसे कमा रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, तो वो भी हम पैसे ही कमाने के लिए बैठे हैं। Perfect. हर इंसान एक खाना खाने के लिए, एक दो वक्त की रोटी के लिए पैसा कमाना चाहता है। Perfect. बट बात की जाए मनी फ्लो की, मेरे साथ भी अक्सर ये सब चीज़ें होती हैं सर कि पैसा आता बहुत जल्दी है और जाता उससे भी जल्दी है, जैसे आया तो भागते हुए और जा तो मतलब ऐसे रहेगा जैसे मिल्खा सिंह की तरह ना, बस भागना है उसको, जैसे मतलब लेन देन तो सर क्या ही है, मतलब इतनी बार मैंने इतनी चीज़ें फील करी हैं, मतलब मैं नहीं, मेरे हिसाब से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे कि सैलरी आई, क्रेडिट हुई, उसके साथ ही डेबिट हो गई। तो ये क्रेडिट डेबिट वाला जो सिनेरियो है, मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगी, जो लोग बहुत परेशान है कि पैसा बहुत जल्दी से आ रहा है पर जॉब उससे भी जल्दी से रहा है, तो वो लोग अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि खर्चे खुद ही कम करने पड़ेंगे, बट स्टिल अगर वो चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसी रेमेडी दे सकते हैं नंबर्स के थ्रू? यस, देखो पैसे के लिए ना एक ऐसी चीज़ है कि पैसा देखो आता हुआ किसी को किसको बुरा लगता है, और वो मेरे पास रहे या हमारे पास रहे तो सबको अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी का नंबर है, तो ये नंबर एक तारा माता जी का नंबर है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना स्टार्ट करो, बहुत ही सिंपल, 517, थ्री लेटर थ्री डिजिट हैं, 517, आप इसको लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखो, ग्रीन कलर के पेन से लिखो, ब्लू कलर के पेन से लिखो, और इसकी चैंटिंग करते रहो। आप इसको करोगे, आपको इसके इमीडिएट रिज़ल्ट मिलते हैं, मतलब डेली बेसिस पे रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत है, वो मनी फ्लो आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है, आप इसको चैंटिंग करना शुरू करता करो, आप देखो आपको कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। आप करके देखो, और दीपावली के ऊपर आपको पैसे की भरमार जो है वो आने वाली है, आप इसकी चैंटिंग करो। लेकिन एक कंडीशन है, दिल से, मतलब अपने भाव से, प्यार से और पूरे विश्वास से, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आपके पास भी कोई ऐसे क्लाइंट आते होंगे जो बोलते होंगे कि सर हमारी तो ये दिक्कत है कि पैसा आ नहीं रहा, मतलब पैसा रुका हुआ है कहीं पे, हमने किसी की पेमेंट्स लेनी है वो पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं, पैसा खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, कर्जा उससे भी ज़्यादा, जितना हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कर्ज है। तो मैं ऐसी सी कोई एक्सपीरियंस आपसे चाहूँगी कि अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा तो आप डेफिनेटली हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। पैसे को लेकर प्रॉब्लम जो है ना, ये एक कॉमन फैक्टर के अंदर मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट क्या है, कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 1,000 रुपये चाहिए, और मेरे पास जो उसका फ्लो आ रहा है वो आ रहा है 600 रुपये, 700 रुपये, रिक्वायरमेंट मेरी 1,000 की है, तो वो 200-300 का जो बीच का गैप है उसको मैनेज करना कई बार बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है या बड़ा मुश्किल हो जाता है। मनी स्टक की अगर बात करूं कि बंदा कहता है कि मैंने पेमेंट लेनी है बाज़ार से लेकिन मेरे को पैसा आ नहीं रहा, लेकिन मेरे को देने के लिए मेरी कमिटमेंट पहले ही रेडी है कि मैंने वहां तो देना है जहां से मैंने सामान लिया,
लेकिन जो मार्केट से मेरे को आ नहीं रहा। इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम जिसको जो प्लान आउट के अंदर डालते हैं, हम इसके नेम डिज़ाइनिंग करते हैं, आपका अकाउंट नंबर को डिज़ाइन करते हैं, आपका सिग्नेचर को डिज़ाइन करते हैं, आपका मोबाइल डिज़ाइन करते हैं, आपके कलर्स को डिज़ाइन करते हैं, कौन से कलर पहनने हैं, आपके डेज़ को डिज़ाइन करते हैं कि कौन से डेज़ पे आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी चाहिए, आपके डेज़ को, आपके नंबर्स को, कौन से नंबर के लोगों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और आपका प्रोफेशन एक मेजर चीज़ है जिसको मैंने ऐड करा कि कौन से प्रोफेशन के अंदर आपको जाना चाहिए, कौन सी वॉच आपको पहननी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन से डेज, कौन से नंबर, कौन सी वॉच, कौन सा प्रोफेशन, फिर आपके अंदर गुड एस्पेक्ट कौन से हैं, आपके अंदर बैड एस्पेक्ट कौन से हैं, आपको नेक्स्ट 9 ईयर की हम प्लानिंग करते हैं कि ये डे आपके ऐसे रहेंगे, मंथ ऐसे रहेंगे, ईयर ऐसे रहेंगे, उसके बाद इसके अंदर रेमेडीज़ डालते हैं। ओवरऑल जब हम ये सारा चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करते हैं तो इसके साथ आपकी सारी चीज़ों को हम कवर कर देते हैं। इसके अंदर आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, आपका हर चीज़ इसके अंदर कवर हो जाता है। मनी स्टक की प्रॉब्लम रहती है वो भी हम इसके अंदर कवर करते हैं, मनी आपकी प्रॉब्लमेटिक है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, नेम फेम नहीं हो रहा वो हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, रिलेशनशिप की दिक्कत है वो इन्वॉल्व करते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। हम सिर्फ आपको एक प्लान करते हैं, प्लान आउट करके दे देते हैं कि आपको ये चीज़ों को ऐसे यूज़ करना है, ऐसे ऐसे इसके साथ जुड़े रहना, और ये वन टाइम हम इसको प्लान करते हैं, उसके बाद आपने फॉर एवर इसको यूज़ करना है और आपने सारी ज़िंदगी इसका आनंद लेना है। इसको बनाने के या वो एनर्जी के वो चार्जेस लगते हैं, और रेमेडीज़ तो आप देख ही रहे हो कि हमारी रेमेडीज़ नो कॉस्ट जैसी रहती है या बिना कॉस्ट की रहती है या फ्री टाइप ही रहती है, रेमेडीज़ ऐसी रहती हैं। लेकिन जो ये करना है इसकी कंसल्टेशन, वो एक चार्जेस रहते हैं जिसको हम बनाते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को अलाइन करने में बहुत समय लगता है, बहुत चीज़ों के फिल्टर से निकाल कर इसको बनाना होता है। डेफिनेटली सर, यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने ऑडियंस को फिर से बताना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, जैसा कि सर ने कहा कि जो कंसल्टेशन है बस उसी के चार्जेस होते हैं, जो रेमेडीज़ हैं वो टोटली फ्री हैं, या कह लीजिए बस बहुत कम पैसों में आपकी जो रेमेडी है वो करने लायक होती है। तो इसके साथ ही मैं ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उस फ्लैश में 2 नंबर्स डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप घर से नहीं निकल सकते किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण, तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स और भी अवेलेबल हैं, आप वीडियो कॉल के थ्रू और कॉल के थ्रू भी सर की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मेंशन किया हुआ है, वो है डॉक्टर आईपी सिंह सर का यूट्यूब चैनल। तो आपको क्या करना है, उस पर आपको करना है सब्सक्राइब, और वहाँ पर बेल आइकन है, उस पर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर बार बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई लोग पूछते हैं हमसे कि आपने एड्रेस मेंशन नहीं किया, आपने सर की आईडी मेंशन नहीं करी, हमें सर से डायरेक्ट बात करनी है। तो वो चीज़ का हम आप सोल्यूशन लेकर आए हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन में ही सर का यूट्यूब चैनल और सर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, वो सब हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको करना क्या है, सिर्फ आंखें खोलकर आपको वो डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और वहां पे जाके सर को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही एक चीज़ और कि जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, ये रेमेडीज उनके लिए हैं जो बिलीव करेंगे, ये नहीं कि आप एक बार आ रहे हैं, एक बार अपना पूछ के आप चले जाएं, ये चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ पे बिलीव करना होगा, तभी आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो आपके साथ वर्कआउट होंगी। वर्कआउट करने के लिए आपके पास बिलीव, फेथ और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही सर, जैसा आपको पता है, अब दिवाली का दिवाली का टाइम चल रहा है, दिवाली के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में ना सर ये चीज़ बहुत एक्टिव हो जाती है, ब्लैक मैजिक, जिसमें लोग ना बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। लोग अक्सर बोला जाता है, हमें हमारी मम्मियों की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती हैं कि कोई भी चौरस्ता है तो उसको क्रॉस नहीं करना है। लोगों ने इस दिनों में जादू टोना किया होता है या टोटके किए होते हैं, तो हो सकता है जो उनका टोटका किया गया है वो आपके ऊपर हो जाए, और ब्लैक मैजिक भी इस दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं उस चीज़ के लिए जाना चाहूंगी कि जो लोगों पर ये चीज़, ये टाइम के दौरान गलती से किसी से पैर रखा गया या ऐसा सा कुछ हुआ है और ब्लैक मैजिक का असर उनको लग रहा है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, तो उनके लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे आजकल के डेज चल रहे हैं,
इन डेज के अंदर ये चीज़ें भी एक्टिव हो जाती हैं। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट हर जगह रहते हैं। अगर अच्छी चीज़ें भी हमारे पास हैं तो बुरी चीज़ें भी एक्टिव रहती हैं। नेगेटिव पॉजिटिव वायरस, जिसको वायरस ही कहेंगे, वो एक्टिव रहते हैं। कुछ गलत चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन हमारे को गलत चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए, बच के रहना चाहिए। तो ऐसा ही अगर किसी आपको ऐसी फीलिंग हो रही है, या आपको किसी ने बताया है कि ऐसा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का कोई सिस्टम चल रहा है या सिम्टम है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया नंबर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आप उसको चैंट करोगे, वो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देते हैं। आप इसको प्लीज़ नोट कर लो। उसका है 609071100। इसको आप ब्लैक पेन से लिखोगे, ध्यान रखना, इसको ब्लैक पेन से हम लिखेंगे। इसको रिमूव करना है तो इसको ब्लैक या रेड दोनों पेन से हम इसको लिख सकते हैं। आप इसको दोबारा, फिर मैं बता रहा हूँ, 609071100। तो ये आपका जो भी, अगर आपको कोई सिम्टम लगे ब्लैक मैजिक का, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इससे लगे, या जिसको मैं ये कहूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला हो, तो उसके लिए एक और नंबर है जो इससे स्ट्रॉन्ग है, वो आप नोट कर लो, 4751924 8। ये नंबर वो है कि अगर आपकी फीलिंग लगे कि आपको जो भी ब्लैक मैजिक है वो थोड़ा लाइट है या स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसकी जो टेंडेंसी है वो उससे स्ट्रॉन्ग है। एक हमारे पास एक और नंबर मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है, कि अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा वाला सुपर स्ट्रॉन्ग अगर प्रॉब्लम लग रही हो, कि रात को आपकी नींद खुल रही है, आपको पेन हो रही है, बेमतलब की चीज़ें आपके साथ स्ट्रक हो रही हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा वाला मैं एक नंबर बताता हूँ जो सुपर स्ट्रॉन्ग है, उसको आप ज़रूर नोट कर लो। वो है 2496304 47। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला नंबर है जब आपको अगर ऐसी फीलिंग हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, फॉरएवर के लिए अगर कोई भी फीमेल इन दिनों में या नॉर्मल रूटीन के अंदर अपने बाल खोलकर ना बाहर घूमे, इसको कम से कम कोई क्लक्चर थोड़ा सा लगाकर बालों को बांधना बहुत ज़रूरी है। खुले बालों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं और उनके ऊपर अटैक जल्दी हो जाता है। आपको ये चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी गर्ल या फीमेल है, अपने बाल पूरे खोल कर नहा घूमे, उसको बांध कर रखें, एटलीस्ट उस पर क्लचर लगा के रखें। अगर आपने दो बालों को भी अगर बांध के रखा हुआ है तो भी इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। तो ये चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप इसको बांध के रखें। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर्स को यूज़ करो, आपको एक्सीलेंट से व्यू पर रिजल्ट आएंगे और बहुत से टेस्टिमोनियल हैं इसके। डेफिनेटली सर, आई थिंक ये चीज़ तो आपने, मतलब हमारे ना जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी ये चीज़ बोलते आते हैं कि जो दिवाली के दिन होते हैं इसमें आपको बहुत से प्रिकॉशंस लेने की नीड होती है। बट आज का जो दौर है, आजकल फैशन का दौर है, लड़कियाँ ये चीज़ नहीं समझती हैं, जो यंगस्टर्स हमारे हैं वो, उन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है कि इस दौर में हमें किस चीज़ों से प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और हो सकता है अगर एक प्रिकॉशन भी उनका लिया गया उनके लिए बेनिफिट साबित हो रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें इस चीज़ से, मतलब अपने आप को जागरूक रखना चाहिए। इसके साथ ही सर, जो हमारा आज का एपिसोड था बेसिकली वो ऑल हमने एक अवेयरनेस के तरीके से ही चलाया है, क्योंकि लोगों में ना इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को ना सोफिस्टिकेटेड सा कर लेते हैं इन सब चीज़ों में। तो सर, अगर बात की जाए आज के एपिसोड की, आज का एपिसोड मेनली था लोगों को उनकी इतनी बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकालना, क्योंकि कोर्ट केस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। लीगली आपको सालों सालों तक लटकाया जाता है। और अगर बात की जाए मनी फ्लो की, मनी फ्लो तो ऐसा टॉपिक है कि बड़े से लेके बुजुर्ग तक इस चीज़ में फंसे हुए हैं, उनको
पता ही नहीं है कि किस तरीके से निकलना है। और अगर बात की जाए बैलेंस चक्रा की, तो लोग अक्सर देखते हैं कि उनकी लाइफ बैलेंस नहीं है जस्ट बिकॉज उनका जो चक्र है वही सही तरीके से नहीं है, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो नेचर है, वो क्यों ये सब इतने मतलब तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसका एक ही एक रीज़न होता है, वो होता है आपका बैलेंस चक्र का बिगड़ जाना। इसके साथ ही सर मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे, और इसके साथ ही सर जो हमने रेमेडीज़ उनको बताएंगे डेफिनेटली वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप बिलीव करते हैं तभी आप इस चीज़ को करिए, अगर आप बिलीव नहीं करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए यूज़लेस होगी, क्योंकि बिना बिलीव के कोई भी, कहते हैं ना एक बेस खड़ा होने के लिए भी एक बिलीव होना ज़रूरी है, अगर आप बेस के लिए बिलीव ही नहीं रखते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर आपकी हर एक प्रॉब्लम का आपको मतलब झटपट सोल्यूशन दे दें। तो इसके साथ ही जाते जाते टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उन फ्लैश पर दो नंबर्स डिस्प्ले हैं, हम उन दो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सर की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, और मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आप जिस तरीके से हमारी पहली वीडियोज़ को प्यार दे रहे हैं, ऐसी हमारी इस वीडियो को भी प्यार दें, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है आई थिंक बहुत बेसिक था और ये चीज़ें बेसिकली आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। सो ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू।